आज हम लोग गांव पे आए हुए हैं होली मनाने के लिए। मेरे पीछे और राधा बैठी हुई है, मनीष गाड़ी चला रही है और दीदी इधर पीछे है जो बोल रही है अपनी मस्ती में मगन। और ये पूरा गांव का नज़ारा है जाते हुए, इस तरह से घर हैं। और ये बस थोड़ी देर पे हमारा घर आने वाला है अभी, तो ये जो है खिड़की से आप देख रहे हैं हमारा घर है। ये किराने की दुकान है हमारे घर पे। ये सबसे पहली हमारा बिजनेस ये है किराने का, सबसे छोटा, और यहीं से हमने शुरुआत करी है। अब आगे का पार्ट मैं आपको वीडियो की एडिटिंग में दिखाऊंगा। ये विधि के दादाजी हैं जो विधि को लेने आ चुके हैं। विधि उनसे बहुत आकर्षित है, देखो ये लेके गए। और वो पहले से ही कह रही थी कि दादाजी को सरप्राइज़ देना है, तो सरप्राइज़ विधि लेके आ चुकी है। अब हम चलते हैं घर के अंदर और दिखाते हैं आपको स्पेशल होली और मेरे पूरे घर का व्लॉग, जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी, मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग के अंदर, कि मेरे गाँव का घर कैसा है और मम्मी पापा दादी सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें। ये हमारा गांव वाला घर है और ये हमारी किराने की दुकान है। यहाँ अभी बैठा हुआ है मनीष। और ये पूरा मतलब जब मैं मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार यही है हमारी ज़िंदगी में, कि हमने किराने से शुरू किया था पूरा। ये आज भी ये देखो आप अंदर तक, ये पूरा घर है मेरा, ये मम्मी पापा चलाते हैं यहाँ पे। और आज होली है तो होली और व्लॉग मैंने दोनों को मिक्सिंग किया है। होली बिल्कुल ओरिजिनल त्यौहार है जहाँ लोग एक दूसरे से छुप नहीं सकते, लोग क्या हैं बिल्कुल ओरिजिनल निकल कर सामने आते हैं। ये अंदर का घर है, फिर ये ऐसा बना हुआ बिल्कुल बेसिक है और ये इसमें प्लास्टर वगैरह नहीं है। ये मेरे पूरे अंदर का घर है और ये यहाँ से दुकान का सीन, फिर ये वाला है ये यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर, और अंदर हमारा घर कुछ ऐसा है, खुला हुआ है एकदम, ये जहाँ पे और मम्मी के हाथ में विधि है और ये दादी है, हमारी दादी बैठी हुई है यहाँ पे। धूप में कुछ कम दिखाई देगी, कैमरे पे फ्लैश ज़्यादा आ रहा है तो कहीं कहीं पे ऐसा ब्लर्ड जैसा आएगा। ये राधा है जो हाथ में होली की थाली लेके तैयार बैठी है, और राधा ने मुझे रंग में कर दिया है। और ये कुछ बच्चे हैं, मोहित है, ये मेरा दोस्त है। ये बताइए और कुछ बच्चे हैं, ये पापा है यहाँ ऊपर, लो आ जाओ पापा। ये पापा, ये ऊपर वाली जगह है जो हमने अभी बनाई है, ये वाला इस तरह का पूरा बेसिक, एकदम बेसिक जो है हमारा घर, बेसिक यानी क्या बोले, एकदम गांव का जो घर होता है जहाँ पे जो आज से पहले जैसे पक्के निर्माण नहीं हुआ करते थे, उस समय का घर ये है, पूरा घर ये है, ये आप देखेंगे। तो एक बार मैं म्यूज़ियम में गया ना, भोपाल म्यूज़ियम में, तो मुझे वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जैसे जो हमारे घर पर पहले से, ये सूपड़ा है, इससे क्या है कि अनाज को जो है सेपरेट करते हैं। तो ये मैंने जब म्यूज़ियम में देखा तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ें तो हमारे घर पे पहले से, तो कुछ आज भी गांव में ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको शहरीकरण में देखने को नहीं मिलती, लेकिन म्यूज़ियम में बहुतायात में उन चीज़ों को वहां रख दिया गया है। तो ये पूरा मेरा घर था, ये कुछ अनाज का स्टॉक है जैसे सोयाबीन का स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है ये। और मैं आपको पूरा घर दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसी दीवारें हैं जिन पर प्लास्टर नहीं है। और ये फिर इधर ये लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, ये जीने हैं जो ऊपर जाते हैं। और ये हमारे घर पे पपीता का पेड़ लगा हुआ है, ये इसमें काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट और मीठी पपीता आती है। यहाँ पे एक सीताफल का पेड़ था जो हमने अभी ये जब ऊपर का ये जो बनवाया चद्दर यहाँ डाले तो उसको काट दिया है। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ जहाँ पर हमारी दादी रहती है। तो ये फिर जैसा मैंने बोला ना, होली एकदम ओरिजिनल है, तो मैंने इस व्लॉग के अंदर कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करी, ये बिल्कुल ओरिजिनल व्लॉग है। तो ये हमारी दादी के रहने की जगह है जहाँ पे वो रहती है। ये सबको अपना स्पेस पसंद होता है, तो उसको अपना स्पेस पसंद है दादी को, और वो छोटी सी जगह में रहती है, ये वाला बना हुआ है। ये फिर कुछ अगेन छोटी मोटी सब्जियाँ जैसे बालोर है और ये इस तरह की लगी हुई है,
तो ये पूरा हमारा घर था। अब हम देखेंगे कि हमने होली उत्सव को कैसे मनाए। तो राधा होली की तैयारी होगी, बुला मम्मी पापा, बुला जल्दी से सबको, बुला हाँ 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 बुला उनको। तो अब आप देखेंगे कि हमने होली कैसे मनाई, ऑर्गेनिक रंगों के साथ होली है, ज़्यादा हेवी कलर के साथ हमने नहीं करी होली। और अब मैं कैमरे को रखता हूँ एक जगह पे और हम सबको जो है रंग लगाएंगे। ला ये होली की शुरुआत हो चुकी है और मेरे पूरे मुंह में रंग घुस गया है। अब ये राधा मम्मी को कलर लगाएगी। लगाओ लगाओ, तुम दो आपस में खेलो पहला। ये मम्मी ने मुझे लगाया कलर और अब मैं इन दोनों को भी जो है कलर कर दिया। कलर ब्लॉग के अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां 18 डिग्री एसी से निकलकर 42 डिग्री धूप के अंदर गेहूं को काटने का अनुभव क्या होता है मैं आपको बताता हूं। और देखो मुझे भी नहीं आता, मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कैसा होता है, अब मनीष आगे का वीडियो बनाएगा और मैं गेहूं काटूंगा और देखते हैं क्या होता है, किसान का जीवन कैसा रहता है, करते हैं। ये मेरी एक तमन्ना थी कि मैं अपने खेत में गेहूं काटूं, तो ये आज उस ईश्वर ने पूरा की है। अब देखो आप ये इस तरह से ये अब ये मुझे बांधना नहीं आता है, तो बांधने के लिए मम्मी ये पीछे, मम्मी बांध देगी। देखो किसान बनने में बहुत मेहनत लगती है, पर किसान होना बहुत सौभाग्य की बात है। ये दो जगह मैंने काट के इकट्ठे कर दिए हैं। और मैं तो कहता हूँ यदि आपके घर पे खेती है ना, तो आपको इस बेसिक जुड़ाव का अंदाजा होना चाहिए कि आखिर खेतों से गेहूँ कैसे पैदा होता है और अनाज की वास्तविक कीमत क्या होती है। ये देखो मुझे काटना नहीं आ रहा, तो मैं कहीं कहीं से काट रहा हूँ फिर उलझ जा रहा हूँ। तो ये बात वैसी है कि जैसे गेहूँ आड़े पड़े, मैं इनको बोल रहा हूँ कि ये कटने में नहीं आ रहे। तो यहाँ मुझे कहावत याद आती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ओ मुझे सच में पाँव में लगी होती, ये भी सही तरीका नहीं है काटने का, पर मुझे तो हालांकि पता ही नहीं कि तरीका क्या है काटने का। बस जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक संपूर्ण ब्लॉग है, तो उस ब्लॉग में अब हम एक नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि एडोन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्शन आने वाले समय में यदि भगवान की इच्छा हुई तो ये वाली जगह हो सकती है। ये वाली जगह ये हमने प्रोडक्शन के लिए चूज करके रखा है। और ये मैं आपको बता दूं कि NH 46 नेशनल हाईवे 46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रोड ये होकर निकलता है, ये जिसके सामने पेट्रोल पंप है। तो चलिए देखते हैं जगह को। ये देखिए आप, ऐसा कुछ विशेष इसमें देखने का नहीं है, बट ये सिर्फ जगह ही बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मेन मौके पे है, इसलिए बस मैं पूरा कंप्लीट व्लॉग बनाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में है, वहाँ तक पीछे तक है ऐसे, और ऐसे ये इसका विड्थ है और ये लेंथ है इस जगह की। तो ये हम आने वाले समय में एडोन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का मे बी प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर हमारा बन सकता है, ऐसा मेरा प्लान है। और साथ में और जो भी भगवान की इच्छा हो, छोटा मोटा बिजनेस भी चल सकता है, बट ये एक मेजर प्लान है। सो ये था मेरा कंप्लीट व्लॉग जो मैंने आपको बताया, और बस इस व्लॉग को मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। और आपने इससे पहले मेरा वो ब्यावरा का जो घर वाला व्लॉग है वो आपने स्पेशली देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा उसमें। बट ये जो पूरा ये जो सफ़र है, जो जीरो से शिखर तक का है या शून्य से शिखर तक का है या प्रारंभ से प्रारब्ध का है आगे तक का है, ये सिर्फ हौसलों की कहानी है, सिर्फ और सिर्फ हौसलों की कहानी है। इसमें कहीं से कहीं तक भी बहुत बड़ा ये नहीं है कि पैसों का रोल रहा हो या किसी चीज़ का रोल रहा हो, ये सिर्फ हौसलों की वजह से इतना सब कुछ संभव हो पाया। तो अब इसके बाद आप भी अपनी स्टोरी मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा।